हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है डिफेंस व्यू जी यूट्यूब चैनल पे। अभी हम मौजूद हैं एलपी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर। अभी कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनका हम रिव्यू अब ले रहे हैं। अभी थर्ड शिफ्ट जो है 15 जुलाई की, वो अभी ख़त्म हुआ है। और जैसे आप देख रहे हो, जब से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है 12 जुलाई से, हम लोग रिव्यू आपके लिए दे रहे हैं हर एक शिफ्ट के बाद, जितना पॉसिबल हो पा रहा है, जिससे आपको हेल्प मिल रही है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सभी बच्चे अपने आपके साथ, ठीक है। एक्स ग्रुप टू वाले बच्चे भी तैयार रहे, वाई ग्रुप वाले तैयार रहे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये लोग बताएंगे जितना ये बता पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम आपका? सागर मलिक। सागर मलिक है हमारे पास, कहाँ से सर? शामली, यूपी। शामली यूपी से हैं। तो एक बच्चा और है बिजनौर, बिजनौर से हमारे पास है, सौर्य नाम से। तो और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, आप आपका एक्स या वाई कौन सा टाइम? वाई ग्रुप। वाई ग्रुप किन्होंने किया है? तो ये कुछ क्वेश्चन बताएंगे, इंग्लिश की हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या कुछ क्वेश्चन जो आपको याद है? सर, इंग्लिश में क्वेश्चन है विजीलैंड का एंटोनिम पूछा था। विजीलैंड का हमने किया था। विजीलैंड का मतलब केयरफुल होता है, हीडफुल होता है, उसका एंटोनिम आपको बताना था। केयरलेस हो जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा। ये हमने किया था, जो वो कैब हमने की थी, सारा कुछ बताया गया था। और उसके बाद एस्ट्रोनॉट वन वर्ड पूछा गया था स्पेस क्राफ्ट के लिए, वन वर्ड भी हमने किया था, सारी चीज़ हम। और इसके बाद PQRS सिंपल, नरेशन एक्टिव पैसिव सिंपल थे। उसके बाद और पैराग्राफ स्वामी ध्यानंद सरस्वती का था, बहुत सिंपल। और उसके बाद GS बड़ी सिंपल थी। GS के अंदर एक तो कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया कहाँ पे है, उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री, उसके बाद कंप्यूटर की 4 लैंग्वेज थी, उनमें से बताना था कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद और ऑडिबल रेंज, ईयर की हमारी ऑडिबल रेंज जो 20 से 20,000 है। और हमारा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, चार ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये था। हम भी से रिलेटेड था, कोई नहीं दिखा क्वेश्चन, हम भी ऐसा कुछ करेंगे। चलो, अभी सागर मलिक ने आपको इंग्लिश और रागा के जो भी जिसको क्वेश्चन याद थे वो बताए हैं। और पेपर का लेवल कैसा था आपके हिसाब से? पेपर का लेवल थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा ठीक था। मैथ रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन टफ थे, फिगर के और तो सब सिंपल। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ पे की, तैयारी कहाँ पे की आपने? प्रिपरेशन तो मैंने आप कई चैनलों से की, आपसे भी की और कहीं और से भी की। तो डिफेंस व्यू से जुड़े हुए थे ये आप देख रहे हो, जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं वैसे ही ये भी जुड़े हुए थे। और बहुत अच्छा एग्जाम इनका गया है, फेज टू के लिए आ रहे हैं। जैसे आपको बताया गया है कि 1 अगस्त से आपका फेज टू स्टार्ट होगा। पूरे इंडिया से हमारे पास सिर्फ 200 सीट हैं और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। वीडियो का ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, जितना जल्दी हो सके उस फॉर्म को भरिए। और फिर जब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे आपके, तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाइए, ताकि अपनी सीट आप जो लिमिटेड सीट्स हैं उसमें सीट आप बुक कर सको। ऐसा भी होता है बाद में सीट भी नहीं मिलती। तो फेज़ टू, और जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम कम भी हो पाए, अच्छा ना हो पाए, वो भी डिमोटिवेट ना हो। अभी आपका नवंबर दिसंबर दोबारा आपका सेकेंड इंटेक होने वाला है। अगस्त सितंबर में उसका फॉर्म निकलने वाले हैं और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए भी आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। 16 अगस्त 2021 से आपका ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा भिवानी हरियाणा में, ठीक है। एक स्नोनिम अभी ध्यान आया, इसको स्केयर्ड का स्नोनिम पूछा गया, तो वो भी अब बताया है। तो अभी हम दूसरे बच्चे से अभी बात करेंगे। आपका नाम सर? सर शौर्य। शौर्य नाम है इनका, और बिजनौर यूपी से जुड़े हुए हमारे साथ। यूपी के बहुत बच्चे हमारे साथ हैं, यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, ये बेल्ट काफ़ी हमने कनेक्ट किया है। काफ़ी लोग जुड़े हुए, काफ़ी लोगों का सपोर्ट हमें मिला है। उन्हीं लोगों के सपोर्ट से आज डिफेंस व्यू जी 1,10,000 रुपये पहुँच चुका है। टेलीग्राम पे भी परिवार बढ़ता जा रहा है। टेलीग्राम पे आपको पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, रिव्यू आपको मिलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप वाई ग्रुप की तैयारी करते हो? सर, मेरा मेन प्रेफरेंस जो है एक्स ग्रुप है, मैंने पेपर एक्स वाई बोथ का दिया है। तो हम इनसे पूछेंगे, जैसे वाई का तो सर ने बताया अभी मलिक साहब ने, इनसे पूछेंगे कि फिजिक्स का क्या लेवल रहा है, फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस थे जो इनको याद होंगे बताएंगे। सर, जैसा कि मुझे लगता है फिजिक्स का जो पेपर था वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल था। अगर पूरा भी नहीं गए तो ऑलमोस्ट 90% पेपर कॉन्सेप्चुअल था। न्यूमेरिकल कितने रहे हैं? न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10-15% न्यूमेरिकल्स थे, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल। केवल 10-15% न्यूमेरिकल रहे हैं। और फिजिक्स जो आपको करवाई जा रही है डिफेंस गुजी पे, राकेश सर के द्वारा पूरा कॉन्सेप्चुअल करवाया जा रहा है, पूरा बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, बेसिक क्लियर करने हैं। तो वही काम डिफेंस ग्रुप पे करवाया जा रहा है, पूरी टीम लगी हुई है, एनालिसिस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, यहाँ भी हम रिव्यू दे रहे हैं, ताकि आपका मैक्सिमम सपोर्ट हम कर पाएँ, हेल्प आपकी कर पाएँ। मैथ के बारे में क्या रहा है आपका, टेक्निकल मैथ की बात करेंगे? सर, मैथ के बारे में अगर बात करें तो मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पार्ट था वो मुझे लगता है 12th क्लास के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन आया, जैसे कोप्लेनर वेक्टर्स होना,
और इन सब चीज़ों की कंडीशंस और जो फार्मूला बेस है, मतलब ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन थी और कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए थे उस चीज़ में। और सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अपनी अपने सभी भाइयों के लिए कि डिफेंस क्रूजी पर जो एनालिसिस आते हैं हर पेपर के बाद में और शाम को, तीनों पेपर के जो एनालिसिस आते हैं उनको ज़रूर देखें हर एक बच्चा, उनसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन मेरे पेपर में आए हैं। चलो जैसे सौर्य को बेनिफिट हुआ एनालिसिस का, तो आपको मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसको फैलाना है, सभी सोशल मीडिया का यूज करके फेसबुक स्टेटस पे आप लगा सकते हो, फेसबुक स्टोरी पे लगा सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, फैलाना है इस वीडियो को, ताकि बाकी आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, जिसको भी जो प्रिपरेशन कर रहा है एयरफोर्स की, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की, नेवी, एनडीए, जो भी, उनको बेनिफिट मिल सके। और ऑफलाइन के लिए अभी जैसे 1 अगस्त से बैच स्टार्ट है, तो सौर्य आ रहे हो फिर? सर मैं पूरा कोशिश करूंगा, अगर मेरा SSB का डेट मैच नहीं करता तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि डिफेंस रुजी के साथ मैं जुड़ूं। तो SSB का डेट जो है, अगर मैच नहीं क्लैश नहीं करेगा डेट, अगर वहाँ पे कॉन्साइड नहीं करेंगे तो ज़रूर पहुँच रहे हैं। आपको ही पहुँचना है, अगर आपका वाई ग्रुप के अंदर अभी कंप्लीट एनालिसिस तो हम 18 तारीख को कर पाएंगे, लेकिन अभी तक जो लग रहा है वाई ग्रुप के अंदर 35+ तो मिनिमम आपका होना चाहिए जिस हिसाब से एग्जाम आ रहा है, और एक्स ग्रुप की बात करेंगे तो 40 से 45+ होना चाहिए एक्स ग्रुप की बात करेंगे। तो जिनका इतना स्कोर बन रहा है वो अपना बैग पैक कर लो डिफेंस क्रूजी में आने के लिए। हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी आपको, कोच आपको मिलेगा नेशनल लेवल का, और आपको मेडिकल टीम मिलेगी जो मेडिकल चेकअप करेगी, SRT जो होता है, स्पेशल सिलेक्शन टेस्ट जो होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी अच्छे से करवाया जाएगा, और ग्रुप डिस्कशन है उसकी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। अभी हम 3 स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कपिल। कपिल नाम है इनका, और ये भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं डिफेंस क्रूजी से काफ़ी टाइम से, काफ़ी मेहनत की है कपिल ने, तो इनसे भी जानते हैं आप कौन से ग्रुप की तैयारी कर रहे हो। XY बोर्ड की सर, बोर्ड का एग्जाम दे के आए हैं, तो इनसे भी जानेंगे पेपर का लेवल क्या रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे हैं, ये भी आपको अपना रिव्यू शेयर करेंगे। मैं वैसे तो सर पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने 2 दिन पहले आपकी वीडियो देखे थे, डायरेक्ट इंग्लिश से 4 क्वेश्चन फंसे हैं। एक तो सीधा मेरा पहला ही क्वेश्चन मेरे को मिला था, ए प्लेस वेयर लेदर गुड्स आर मेड, सबसे पहला ये क्वेश्चन था। उसके बाद में 4 क्वेश्चन पैसेज के थे, स्वामी विवेकानंद की जो स्ट्रगल लाइफ रही है उसके हिसाब से थे, उसके ऊपर बेस्ट थे। बाद में रागा की बात करें तो रागा प्रतीक सर ने जो कराया है उससे अलग मैंने तो देखा नहीं रागा में। और फिजिक्स की बात करेंगे तो थ्योरी ज़्यादा आ रही है, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ही है वही न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और मैथ, टेक्निकल मैथ पूरा फार्मूला बेस है, पूरी फार्मूला बेस है, 6 क्वेश्चन तो देखते ही टिक हो रहे हैं डायरेक्ट आंसर। तो कपिल ने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो क्वेश्चन को याद थे वो शेयर किए, आई होप आपको ये हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जैसे इंग्लिश में मैंने आपको 250+ वीडियो करवा दी टोटल, अगर हम बात करें 5-6 महीने की 250 वीडियो हम कर चुके थे, जिसमें वो कैप भी हो चुकी थी, ग्रामर भी हो चुकी थी, पैसेज भी हमने करा, मॉक टेस्ट हमने किए, बहुत सारे बैचेज हमने चलाए, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को उठाया है, तो उसका बेनिफिट आज देखने को मिल रहा है और आप लोगों का सपोर्ट हो रहा है। यही डिफेंस क्रूजी हमेशा चाहता है कि आप लोग आगे बढ़े। जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है उसको हम फ्री भी क्लास हम दे रहे हैं, टेलीग्राम पे आप जुड़ रहे हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ भी आप देखोगे फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। जिस बच्चे ने, फिर बताता हूँ, जिसका एग्ज़ाम अच्छा ना भी हो पाए तो अगले इंटेक के लिए तैयार रहे, 3 से 4 महीने में अगला पेपर भी आपका हो जाएगा। और डिफेंस क्रूजी की सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो आप 1-to-1 हमसे मिलके भी पढ़ सकते हैं, 16 अगस्त से वो भी बैच स्टार्ट होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको भर लीजिए, ठीक है, और मिलेंगे हम लोग आपके फेज 2 में मिलेंगे, जिसका एग्ज़ाम अच्छा होगा, नहीं तो 16 अगस्त से बैच स्टार्ट है उसमें मिलेंगे। तो आज का रिव्यू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगला रिव्यू, अगली जो बैच, अगला जो कल का जो होगा उसमें हम फिर से रिव्यू करेंगे, आपकी सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।